तो मैं दुर्गेश जायसवाल। दोस्तों, सीटेट की नोट्स को लेके और अन्य सभी सीटेट रिपीटेड सुपरटेट के नोट्स को लेके मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो सीटेट की नोट्स आपको कैसे मिलेंगी, नोट्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, बड़ा उत्सुकता भी है आपके अंदर, मेरे अंदर भी। काफ़ी कई दिनों से लगातार टाइपिंग का काम हो रहा था और अभी भी टाइपिंग काम हो भी रहा, जैसे कि अभी आवाज़ भी आ रही होगी आपको। लेकिन अंतिम पड़ाव पे हमारे नोट्स पहुंच गए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन पहले जान लीजिए क्या मेरे नोट्स आपके काम के हैं या नहीं है, मेरे नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। इन सभी बातों को जानने के बाद ही फिर आप सोचिएगा कि आपको नोट्स लेना है या नहीं। पहली बात तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि जगह पर जो नोट्स वायरल होते रहते हैं उनका उतनी उपयोगिता नहीं होती जितनी आपको जरूरत है। वो जो भी उनके पास आता है भेज देते हैं, सी टेट, यू पी टेट, सुपर टेट, रेलवे, केवल नाम चेंज करते रहते हैं, वो नोट्स को पूरी तरह से वायरल करते रहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि उसका संबंध आपकी परीक्षा से प्रत्यक्ष रूप से उतना नहीं होता जितने तेज गति से शेयर होता है। अब आते अपने टॉपिक पे, हमारे नोट्स कैसे होंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए सीटेट का सिलेबस 5 भागों में विभाजित है। पहला भाग है बाल विकास, दूसरा है गणित, तीसरा है पर्यावरण, उसके बाद भाषा फर्स्ट, भाषा सेकेंड। ठीक, भाषा की बात करें तो भाषा के हमारे पास 3 तरह की नोट्स आपको मिलेंगे, 3 विषयों की, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो सबसे पहले बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास एक ऐसा आम सब्जेक्ट है जो लगभग 90 नंबर के एक तरह से हो सकेगा। सभी विषयों का 15-15 का, 16-15 का बाल विकास मिला के 90 हो जाएंगे। तो बाल विकास की 2 नोट्स आपको मिलेगी। एक तो आपको मिल जाएगी ललितपुर डायर के दीपक सिंह राजपूत जी की लिखी कुछ पेज, कुछ ज़्यादा की सारे में से कुछ हमने छाटा है जो मुझे महत्वपूर्ण लगा आपके दृष्टिकोण से, बाकी उन्होंने बेहतर लिखा है, बहुत अच्छा लिखा, वो रामबाण है पूरी तरह से यूपी टेट के लिए। किंतु सुपर टेट पर कुछ सुपर टेट सी टेट कुछ हिस्सा हमने उसका लिया है, बाकी हिस्सा ज्योति मैम द्वारा लिखित है। वो सभी मिलाकर शिक्षण द्वारा अन्य कई किताबों से लेने के बाद एक नोट्स बेहतर तैयार हो पाया आपका बाल विकास का। अब आते हैं अगले पैटर्न पे, गणित की बात करते हैं। गणित की जो है 2 तरह से, पहला हम गणित के शिक्षण की बात करते हैं। गणित शिक्षण 2 भागों में डिवाइड है। एक भाग शायद आपको मिल गया होगा जो मैंने आपको उपलब्ध कराया था, दूसरा भाग उसका पूरा एनसीईआरटी गणित शिक्षण पे है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अगर आपके पास होगा। ठीक है, नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि गणित शिक्षण के प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं सीधे सीधे। अब आते हैं गणित की बात करते हैं। गणित 15 नंबर की सीटेट पूछी जाएगी, एकदम बेसिक गणित पूछी जाएगी, प्राथमिक के लिए एकदम बेसिक गणित, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा स्तर उसका हाई रखा है ताकि आपको समस्या ना हो और वो भी इतनी ईजी है कि आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब वो कैसे होंगे, वो आपको कैसे मिलेंगे, देखिए वो मैंने क्या किया, सभी को जितने सब्जेक्ट जितने सिलेबस है सिलेबस के क्वेश्चन आपको 25-30-20-20 करके दे दिया। क्वेश्चन का क्राइटेरिया कैसे, पहले सरल क्वेश्चन, फिर और टफ, फिर प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन उस पार्ट से संबंधित, इस तरह से आपका क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया है। अब क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको उसकी ऑनलाइन वीडियोज में आपको उपलब्ध करा दूंगा और सारी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा के सबकी वीडियोज आपको दे दूंगा, ताकि जब गणित लगाना शुरू करें आपके साथ समस्या एक रत्ती भर का ना है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्या दिया, गणित शिक्षण में दिया गणित के सवाल के सारे क्वेश्चन दिए जो पूरा एक एक पार्ट से 60-40-50 क्वेश्चन होंगे, और फिर गणित शिक्षण के 2 नोट्स हो जाएंगे आपके, एक एनसीईआरटी की, फिर एक और 2 नोट्स हो गए। फिर और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पर्यावरण शिक्षण की बात करते हैं। पर्यावरण में मार्केट में तक कोई ऐसी नोट्स नहीं है जो सीटेट के लिए पर बेहतर हो। अगर मेरी बात का आप सहमत ना हो, मार्केट किसी भी किताब को उठा के प्रीवियस ईयर का पेपर 5 साल का रख दीजिए, फिर देखिए क्या पूछे गए हैं, क्या पढ़ाया गया वो, तो फिर पूछे कहाँ जाते हैं, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी और एनसीईआर 2005 और शिक्षण से। अब एनसीईआरटी कहाँ मिलेगी, एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 की आसपास के नाम से मिलती है। अगर वो आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, आपके मार्केट में नहीं मिल पा रही है, तो उसका मैंने सोल्यूशन निकाल लिया। क्या किया मैंने, कक्षा 3, 4, 5 कितनी मोटी मोटी किताबों को मैंने क्या किया, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं अभी तक और जो पूछे जाने की संभावना है, उसको मिला के सब लगभग 150-200 पेज में समेट दिया। अब 150-200 पेजों में जिसको मैंने टाइप करा दिया, अभी बड़ा और छोटा करेंगे तो पेज और कम हो जाएगा, तो मैंने क्या किया उसको समेट दिया। अब वो आपको उपलब्ध करा दूंगा मैं, फिर उसके बाद उसकी शिक्षण जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि शिक्षण के साथ सम्मिलित है एनसीईआरटी 2005 में। फिर और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में अगर हिंदी लिया तो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में 2 टर्म होंगे, 15 नंबर की गद्यांश और पद्यांश, 9 नंबर गद्यांश, 6 नंबर पद्यांश, वो केवल आके प्रैक्टिस पे वो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि वो अगर आप नोट्स लेते हैं तो मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा कैसे कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे उसमें अच्छे बेहतर अंक अर्जित किए जा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं शिक्षण के बाद, जब अगला कदम आगे बढ़ते हैं उसमें गद्यांश पद्यांश बस शिक्षण की बात, हिंदी शिक्षण आपको देंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर अपने पास रखे रहिएगा, ताकि मेरे नोट्स से आपको फायदा कितना होता है ये आप भी हमें बताते रहेगा। फिर हम लगभग 34-40 पेज का है, आपको हम हिंदी शिक्षण के नोट्स दे देंगे जिसे हम भाषा शिक्षण के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला आते हैं संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत भी आपको हैंड रिटन नोट्स पूरी तरह से मिल जाएगी, जिसमें संस्कृत शिक्षण भी आपको मिल जाएगा, संस्कृत शिक्षण के साथ साथ संस्कृत के कुछ व्याकरण भी मिल जाएंगे। जबकि आपको पता है 15 नंबर गद्यांश और पद्यांश है और 15 नंबर में संस्कृत का शिक्षण शास्त्र है, तो दोनों मिलाकर 30 नंबर के हो गए। अब आप इंग्लिश की बात करते हैं, अगर आपने भाषा इंग्लिश रखा है, अंग्रेजी रखा है, तो उसकी भी सेम प्रोसेस वही है, आपको भी वही चीज़ें वहाँ भी प्राप्त होंगी। वहाँ भी पैगोलॉजी और
प्रोज पोट्री। तो इस तरह से हमने पूरा नोट्स तैयार किया, साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और दो चीज़ जोड़ दी है नोट्स में जो आपके लिए अंक ज़्यादा लाने में मदद करती है। एक है एनसीईआरटी 2005 अगर आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध करा दूँ। एनसीईआरटी की है, शायद आपके पास उपलब्ध होगी, नहीं होगी एनसीईआरटी क्योंकि एनसीईआरटी की तरह मार्केट में नहीं मिल रही है कई जगह, तो आपको मैं यहाँ से प्रिंट करा के आप तक मैं पहुँचा दूंगा, ठीक। दूसरी बात, अब एनसीईआरटी 2005 से प्रत्येक वर्ष 25 से 30 प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं क्योंकि वह पूरा शिक्षण है। एनसीईआरटी 2005 सभी विषयों का, चाहे वो भाषा शिक्षण हो, गणित शिक्षण हो, पर्यावरण शिक्षण हो, बाल विकास शिक्षण हो, वो सभी का शिक्षण है पूरी तरह से एनसीईआरटी 2005। 25 से 30 क्वेश्चन, मुझे तो लगता है अगर ध्यान से अगर उसको पूरा पढ़ जाएंगे तो आधा पेपर ही पूरा एनसीईआरटी 2005 होता है। एनसीईआरटी और आरटी, आरटी से भी 5 से 10 क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी और आरटी के नोट्स आपको अलग से देंगे। फिर समावेशी शिक्षा, वो भी अलग से देंगे क्योंकि समावेशी शिक्षा से प्रतिवर्ष 2 से 3 प्रश्न पूछे गए। अगर आपको नहीं पता हो, पिछली बार देख लीजिएगा, सीटेट, सुपर टेट, रिपीटेड, तीनों पैटर्नों में पूछा गया और समावेशी शिक्षा 5 क्वेश्चन में इसके फिक्स है। मैंने ऐसे ऐसे सिलेबस को इकट्ठा करके हमने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। उसके लिए ये है कि उसको बनवाने के लिए काफ़ी मेहनत मैंने किया, यहाँ तक कि दिन रात एक करके तब मैंने नोट्स बनाया है और उसके बाद उसकी टाइपिंग हुई है। पर पेज आपको पता ना 25 पर टाइपिंग लगती है, तो पीडीएफ मिलने के बाद लोग क्या करें, तेजी से उसको वायरल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लोगों तक पहुँचते हैं, मदद मिल पाती है। लेकिन वो कोचिंग संस्थान उसको एडिट करके जो अपना नाम लिख लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरता है। अगर आपको करना तो मेरी चलाइए ना, क्योंकि मेहनत मेरी है, मेहनत मेरा अगर आपने ऊपर सिंबल लगाते तो कितना कष्ट होता है आप समझ सकते हैं। ऐसे चलाएंगे तो ये लगता है ना ई लर्निंग में दुर्गेश की सीटेट के लिए सबसे बेस्ट नोट्स मार्केट में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सीटेट की, प्रॉपर सीटेट की कोई किताब अभी तक मार्केट में नहीं है। मिलने को 500 किताब बाजार में मिल रही है, 500 नोट्स कोचिंग वाले बांट रहे हैं। मैं तो जिस जनपद में हूँ, जौनपुर जनपद से हूँ, आपको पता ही होगा, टीडी कला गेट के पास अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में मेरी कोचिंग संस्थान चलती है, छोटी सी कुटिया में। उस कुटिया की व्याख्या, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बाहर भी कोचिंग पढ़ते हैं, पता नहीं उनको मुझे भरोसा या नहीं है, पता नहीं क्या कारण है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, उनके जो नोट्स होते हैं, उन्होंने सीटेट पढ़ाते हैं, नेटेट पढ़ाते हैं, सुपर टेट पढ़ाते हैं, ना जाने क्या पढ़ाते हैं, कभी कभी आते हैं तो उनके नोट्स देखते हैं तो मुझे अपने आप में हंसी आती है, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि मेरा कोई अधिकार नहीं है, आपको भी कहने कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं एक संदेश लेकर आपके सामने आया हूँ, अगर आपको बेहतर लगता है तो ठीक है, नहीं बेहतर तो जो मेरे जौनपुर जनपद की कंडीशन है, इलाहाबाद की कंडीशन ये भी है, सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट मिक्स करके पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं कि अगर आप वास्तव में सीटेट का अगर दो पेपर दिए हैं तो आपको अपने आप हंसी आ जाएगी, यार ये तो अच्छा खासा पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वही हाल है, क्योंकि मेरे नोट्स लेने के साथ साथ आपको एक छोटा सा काम और करना होगा कि आपको पिछले 5 साल के 2011 से लेकर 2016-18 का पेपर अपने पास संचित रखना होगा। मेरे नोट्स को पढ़ने के बाद आप पुराने प्रीवियस ईयर को पेपर को सॉल्व करेगा, फिर देखिएगा क्या जो मैंने आपको नोट्स दिए, क्या वहां से जैसा मैंने बताया पढ़ने का तरीका, जैसा मैं आपको समझा रहा हूं, अगर वैसे ही अगर आप कर पा रहे हैं, अगर 120 प्लस 110 प्लस जा रहे तो मेरा नोट्स बेहतर है, वरना मेरे नोट्स 2 कौड़ी के। फिर आप बताइएगा दुर्गेश सर आपके नोट्स तो बिना काम के, ये तो रद्दी के भाव बिकने लायक है। इसलिए मैंने इसको बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया और ये जो नोट्स होंगे आपके हैंड टू हैंड आपके डोर टू डोर जाएगा, वो स्पीड पोस्ट से कुरियर के माध्यम से आपके घर तक वो पहुँचाया जाएगा। इसका कारण ये है ताकि आपको हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुँचे, बीच में ये कोचिंग वाले उसका लोगों ना चेंज करने पाए, क्योंकि इस तरह से क्या होगा, वही टाइप करवाएंगे क्योंकि 20 में पूरा वाटरमार्क लगा होगा, वो चाहकर भी कॉपी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी कोचिंग संस्थान, अगर आप कोई कोचिंग संस्थान चलाते हैं तो अगर बच्चों को गुमराह न करने जगह आप मुझसे सीधी बात करें और सीधी बात करेंगे मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, आपकी फैकल्टी को मैं बताऊँगा सीटेट कैसे पढ़ाया जाता है, सीटेट कम समय में कैसे नंबर गेन किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सीटेट प्रेजेंट ऑफ माइंड का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक स्कोरिंग कार्ड है। आप पढ़ कर जाएंगे तो सीटेट उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे जितना मैं आपको समझा दूंगा, जितना नोट्स को आप पढ़ कर समझ कर जाके बेहतर अंक अर्जित कर पाएंगे उतना आप पढ़ा कर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको प्रैक्टिस सेट नोट्स, अगर आप कोचिंग वाले सीधे से बात करिए ना, इस तरह से रीडिंग करेंगे कोई फायदा नहीं है, वैसे रहेंगे तो मैं आपको लिए प्रॉपर वे में आपको जिस तरह मैं अपने संस्थान के लिए कराता हूँ, जिस तरह मैं अपने यहाँ के अभ्यर्थियों को ये सोचता हूँ कि हर व्यक्ति पास हो, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड मेरे कोचिंग में सीटेट कोई फेल नहीं हुआ है। अगर आप जुड़े हैं कि जौनपुर जनपद से होंगे या किसी अन्य जनपद से होंगे, अगर आप मुझसे पढ़े होंगे इस बात को भली बातें जानते होंगे कि मेरे यहाँ पढ़ाया हुआ सीटेट कोई फेल नहीं हुआ। रही बात मेरे नोट से क्वेश्चन कितने पूछे गए, आपको पता होगा, अगर आप ऑलरेडी मेरे नोट से पढ़े अध्यापक बने कगार पे है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिएगा ताकि आप औरों को भी पता चल सके नहीं वास्तव में दुर्गेश सर के नोट से क्या काबिलियत है। रही बात और व्याख्या करने की, तो 6 तारीख को शिक्षक भर्ती की परीक्षा थी, 2 दिन पहले लाइव आके मैंने 2 दिन 3 दिन लगातार करंट अफेयर पढ़ाए थे, उठा के पेपर देख लीजिएगा, मेरे पढ़ाए करंट को देख लीजिएगा, 20 क्वेश्चन में से अगर 16 नहीं मिलेगा फिर आप कहेगा दुर्गेश सर आप क्या कह रहे थे। मैथमेटिक्स जो हमने पढ़ाया था सुपर टेट में 10 से 11 क्वेश्चन हूबहू परीक्षा में पूछे गए थे, फिर ये बड़पन की बात नहीं है, ये मेहनत का बात है, ये अनुभव की बात है। और हाँ, डेलेट के 17 बैच और 18 बैच के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष रज्जत सिंह और छात्राध्यक्ष
कुमार जगदीप पांडे और अभिषेक तिवारी महामंत्री 18 बैच के, निर्मल पाठक, मयंक शुक्ला और जबकि 15 बैच के कुछ बैक साथी जिनके लिए राकेश जी ने भी फ़ोन किया था, राजेश जी ने भी और सुरेंद्र प्रताप जी ने, सभी ने कहा कि आप डेलेट के लिए भी कोर्सेज चलाइए तो मैं आपके लिए डेलेट के कोर्सेज फ्री में चलेंगे, उसके लिए कोई वो नहीं है। हाँ, बस थोड़ी सी मदद हो जाती है क्योंकि हम भी एक इंसान जैसे आप वैसे हम भी हैं, तो बस मदद के लिए, वरना हम तो चाहते थे कि पूरी क्लासेज फ्री चले, नोट्स भी आपको फ्री में पहुँचे, लेकिन बस ये है कि इतना बड़ा फैकल्टी, इतना लोग हैं, इतनी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और हम जैसे आप वैसे हम भी, ऐसा नहीं कि हमें और आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो इसी वजह से हम आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं ताकि आप कुछ ज़िंदगी में बेहतर कर सकें। आप पढ़ते रहिएगा और हाँ, आप स्वयं से भी पढ़ के सीटेट निकाल सकते हैं, ऐसी कुछ भी नहीं, सीटेट पढ़ा नहीं, क्योंकि हाँ जो कोचिंग में पढ़ाते हैं उसके लिए थोड़ा सा मैं एक बार 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 कहूँगा कि एक बार आप पुराने ईयर का पेपर देखिएगा, फिर ये देखिएगा कि जो कोचिंग पढ़ाते हैं क्या वो परीक्षा प्रश्न आते हैं या नहीं आते, कहीं ऐसा तो नहीं जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके समय की बर्बादी तो नहीं हो रही, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती होता है, इसलिए आपका समय बहुत कीमती, आप बहुत सारे पैसे लगाए होंगे या 2 वर्ष प्रशिक्षण लेने के दौरान, लेकिन थोड़े से पैसे के नाते आप अपने करियर से मत खेलिएगा। मार्केट में बहुत सारी किताबें, लेकिन किताबों का चयन करते समय बात का विशेष ख्याल करिएगा, क्या उसमें पिछले ईयर के पेपर से कोई संबंध है या नहीं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध हो न हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए मैं पता नहीं मैं सही हूँ नहीं, मैं जो बता रहा हूँ सही है नहीं, हाँ इसके लिए आप कोई 15 बैच के जो हमारे साथ थी, मैं भी 15 बैच का प्रशिक्षु, इसलिए मैं खुद एक प्रशिक्षु, मैंने खुद एग्जाम दिया, इसलिए मुझे इस बात का ज़्यादा अनुभव। मार्केट में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं अभी जौनपुर जनपद, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन टीचर क्या मतलब जिनके पास अनुभव नहीं हो। अब वही बात है, अगर आपको पैर में दर्द हुआ क्या आँख के डॉक्टर दिखाने जाएंगे, दांत के डॉक्टर को नहीं, क्योंकि दांत का डॉक्टर दांत का इलाज कर सकता है, आँख का, उसी प्रकार जो सीटेट पढ़ाता वही सीटेट पढ़ाएगा, और क्या होगा, SSC का जो मैथ पढ़ाते हैं वो सीटेट का मैथ पढ़ाएंगे, बैंक का जो मैथ पढ़ाते हैं SSC, मतलब अगर कोई परीक्षा आ गई उनके वही टीचर सब पढ़ाते हैं। तो आप बताइए क्या पैर का जब डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता, एक विषय का अध्यापक सभी विषय के मैथ को कैसे पढ़ा सकता है। कहना बड़ा आसान है, सोचना बड़ा आसान है, लेकिन कभी सोचिएगा, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं और अध्यापक की सोच और उससे बेहतर होती है, बस इसी बात के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि मेरे यहाँ UP TET सीटेट दोनों चलते हैं इतनी फीस में, तो अभ्यर्थियों को लगता है यार दुर्गेश सर क्या क्यों ज्वाइन करें, मैं यहीं ज्वाइन कर लेता हूँ, या तो फ्री में हो जा रहा है, दोनों हो जा रहा है, लेकिन यार वो आपको गुमराह करते हैं। मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, मुझे भी वही कि भाई 3 महीने फीस दिया, 3 महीने मैंने खत्म कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि एक वेरी गुड फील है आपकी वजह से, आपकी वजह से। अगर मैं एक चैनल है, जबकि आपको पता है 1 लाख लोग पूरे हो गए आप लोग की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के शेयर करने की वजह से, जो आप फालतू मैसेज शेयर करने के साथ साथ इस मैसेज को भी शेयर करते हैं, हमारे वीडियोज को भी शेयर करते हैं, इसकी वजह से मैं पहुंच गया। तो यार मैं किसी की भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, हर लोग करते हैं, क्योंकि भाई उनका क्या, मैं नहीं कह सकता, उनका वो खुद का विचार है क्या ऐसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, पूछते हैं दुर्गेश सर ठीक है ठीक है, तो जाते हैं वहाँ, लेकिन मैं किसी कॉल बैक नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि किसी, क्योंकि भाई देखिए आप वयस्क हैं, आपका खुद सोचने का एक नज़रिया, आप सोच सकते हैं, किसी व्यक्ति को फर्क सकते हैं, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा समाज में दुष्टता फैला दी है कि हर सही व्यक्ति के ऊपर भी प्रशिक्षण खड़ा कर देखा जाता है ये व्यक्ति कैसा होता है। हो सकता है आप लोग के निगाह में भी, बहुत सारे लोग के निगाह में ऐसा हूँ, अभी देखिएगा जैसे वीडियो पड़ेगा पहले सबसे पहले कुछ लोग अनलाइक और गिनती का अनलाइक आते हैं, तो इसका मतलब करते हैं लोग वीडियो देखते हो तो मेरी अनलाइक करने के लिए, फिर भी ठीक है आप अनलाइक करिए, अच्छी बात है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन यही है कि किसी के भविष्य से खिलवाड़ करना बेहतर नहीं है। आप लोग सोचते होंगे दुर्गेश सर से नोट्स लेके ना लें, दुर्गेश सर से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें कि ना करें, पता नहीं दुर्गेश सर कैसा पढ़ाते होंगे, कहीं भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप मुझसे मिले हैं, मेरी इतनी वीडियोज है, ऑनलाइन क्लासेज मेरी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेज में एक समस्या आ रही है, 4-5 दिन से वीडियोज नहीं मिल पा रही है, कारण के नोट्स की वजह से, मैं इसमें सारा ध्यान अपने नोट्स पर दे रहा हूँ ताकि मैं उनको बेहतर दे सकूँ, जो मुझसे जुड़े मुझे अंतिम उसे चयनित करा सकूँ। और अगर आप मुझसे जुड़े हैं, इस उम्मीद से जुड़े हैं, तो मैं कभी किसी व्यक्ति का उम्मीद नहीं तोड़ना, क्योंकि मुझे आज तक नहीं रहना है, आपके साथ तब तक रहना है, आप अध्यापक बन जाएंगे ताकि मैं आपके विद्यालय तक आऊँ, जब भी आप आऊँ कम से कम पहचान तो सके, एक गिलास अपने दरवाजे पानी तो पिला सके, बस एक छोटी सी बात है। आज ज़िंदगी एक पता निकल को रहेगी मेरी, मैं हूँ पता नहीं कल को रहूँ या ना रहूँ, लेकिन ये बातें हमेशा YouTube पर रहेंगी, जब आप खोलेंगे तब दुर्गेश जायसवाल इसी तरह आपके सामने हाजिर हो जाएंगे अपनी इसी मुस्कान के साथ। लेकिन ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, कब कहाँ, कौन सा दिन आखिरी दिन हो जाए, और इस उम्मीद में जीना कल क्या होगा, कल क्या करेंगे, उम्मीद तो सब है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमें अपना बेहतर देना चाहिए। मैं आपको इसीलिए बेहतर देता हूँ, फिर भी लोग मुझे शक के देते हैं, प्रश्न खड़ा करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कोई काम ना करके जाऊँ ताकि कभी पता नहीं खुदा ने खास्ता कुछ हो तो लोग पीछे गाली दे, इसलिए बेहतर करना चाहता हूँ, हमेशा बेहतर करता हूँ। पता नहीं लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं, बहुत सारे लोग अभी तो डाट के लोग भी ऐसे हैं, बड़ा विश्वास करते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं और सबसे बड़ी है कि बड़ा सपोर्ट करते हैं, पूरा संघ जो है इतना सपोर्ट करता है, चाहे वो निर्मल पाठक जी हों, चाहे अध्यक्ष जी हो आपके हों, प्रदेश अध्यक्ष हो, काफ़ी मदद करते हैं, इसलिए मदद करते हैं, उनको पता कि मैं कैसा इंसान हूँ, पता नहीं आपके दृष्टिकोण में मैं कैसा इंसान हूँ मुझे नहीं पता।
हाँ, लेकिन यह है कि आज तक मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मैं बेहतर अपने आप में फील करता हूँ। मैं आप रात दिन मेहनत करता हूँ, 18-18 घंटे आपके नोट्स बनाता हूँ, लिखता हूँ, फिर भी लेकिन अपने आप में एक बेहतर इंसान फील करता हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आप मुझे क्या सोचते हैं बात से माने नहीं रखता, माने ये रखता मैं अपने आप में कहूँ, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और आपसे बस मेरी एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, आप पूरे मनोयोग के साथ अपने जीवन का कष्ट दीजिए, पढ़ते रहिए, चाहे जहाँ पढ़िए, जिस जगह पढ़िए, लेकिन एक बार सोचिएगा जो बंदा पढ़ा रहा है क्या वो सही पढ़ा रहे नहीं, क्या ऐसा तो नहीं पढ़ा रहा वो आपको बेवकूफ बना रहा है। बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ जोपुर में, और लोग जाके पढ़ते हैं, पता है सबसे ज़्यादा तो मुझे हंसी आती है कि लोग शिक्षा की बार्गेनिंग करते, कैसे करते हैं पता है, जैसे आप क्या पूछेंगे सर फीस कितनी है, बताएंगे भैया 700 रुपये है, कहीं गए सर आपकी फीस 500, अरे भाड़ में जाओ 500 वाले क्या पढ़ो, 700 वाले क्या मत पढ़ो। लेकिन ये लोग नहीं सोचते कि क्या दोनों में अंतर है। जैसे अगर हम ये बताएं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में है, अगर जोपुर में कोचिंग करते हैं तो क्या बताएंगे सस्ती फीस है, इलाहाबाद में हमारे जीएससी कोचिंग 12,000 में, जौनपुर में अपने जनपद में करते हैं तो 15,000-10,000 में कर लेते हैं, इलाहाबाद में 25-30,000, दिल्ली में 2,00,000 में करते हैं। क्या दिल्ली वाले में 2,00,000 रुपये फीस देकर आप कोचिंग करेंगे तो कहेंगे भैया 25 में हुआ था पानीपत का, या जौनपुर वाले कहेंगे नहीं 28 में हुआ था, फिर क्या अंतर है ऐसा? इसका मतलब ऐसी लॉजिक है जो और से अलग करती है। कैसा रिजल्ट, जो मेरा रिजल्ट 70% रहा। आप लोग कहेंगे सर पोस्टर बैनर, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं बैनर पोस्टर करा सकूँ। हाँ, बस यही है कि दिल बड़ा है आपके लिए, दिन रात मेहनत करता हूँ इस उम्मीद से कि कभी तो ऐसा होगा, कभी तो सफलता का सूरज चारों तरफ से दिखाएगा, उसका प्रकाश फैलेगा। बस इसी उम्मीद से मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग को बुरा भी लगता होगा, बहुत सारे लोग गाली भी देंगे, बहुत सारे भी लोग पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, अच्छा लगता है कम से कम कुछ तो मेरे बारे में सोचते हैं। देखिए सोचना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप मेरे बारे में सोचते हैं ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, चाहे अच्छा सोचे चाहे बुरा सोचे। लेकिन पता है अगर आप बुरा सोचना बंद कर देंगे सकता है मैं अपने आप में निरंकुश ना हो जाऊँ, इसलिए आप बुरा सोचिए, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन आप थोड़ा शब्द की मर्यादा को ध्यान में रखें, अगर बुरा सोचेंगे हमें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा, आपके परिवार में अच्छी परिवार परवरिश होगी जिस तरह से मेरी हुई है। तो बस इसी के लिए हम आए थे, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, आए तो कहने के नोट्स के लिए कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें हमने कह डाली, तो बस यही था मेरा मतलब, यही था। अगर आप नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं तो आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ लिए, 2005 पढ़ लिए, आईटी पढ़ लिया, समय से शिक्षा पढ़ ली, और कुछ सवाल लगा लीजिए। अगर गिनतारा आपके पास है तो भी बेस्ट है, लेकिन गिनतारा उतना बेहतर आपके लिए काम नहीं करेगा, और आज सरकारी किताब है। गणित का जादू आपके लिए बेहतर पड़ेगा, आसपास ले लीजिएगा अच्छा 3-4-5 की, अगर आपके पास वो नहीं हो मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम पे अच्छा टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल करिए, चल अगर टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, कि वहाँ पे जैसे कभी की वीडियोज में डालता हूँ उसकी लिंक नहीं मिल पाती, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएगी। सर्च करना टेलीग्राम पे दुर्गेश सर बिना स्पेस दी, जैसे ही सर्च करेंगे लर्निंग विद दुर्गेश सर ज्वाइन कर लेंगे, पुरानी वीडियो पुरानी जितनी जब से तब से आपको वीडियोज मिल जाएंगी, कुछ नोट्स आपको मिल जाएंगे, सब कुछ वहाँ प्रॉपर मिल जाएगा। फिर फेसबुक पेज पे भी लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपने बहुत सारे फेसबुक ज्वाइन किया हो तो लर्निंग विद दुर्गेश को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्या जाता है आपका फर्क, इतना कि मेरी बात आप तक जल्दी पहुँच जाएंगे, आसानी से पहुँच जाएंगी। तो बस मुझे एक ही दिली तमन्ना है कि मैं अपने जुड़े हर व्यक्ति का रिजल्ट सब करूँ, तो बस आपके साथ की वजह से हो जा पाएगा। और अगर आपको लगता है अगर आप मेरे द्वारा सफल हुए, यदि मेरी बातें सही हैं तो वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं कभी लाइक करने के लिए नहीं कहता, कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, शेयर करने के लिए कहता, पता क्यों? हो सकता है आपकी वीडियो आपके लिए वीडियो बकवास हो सकता है आपके लिए 2 करोड़ का हो, लेकिन हो सकता है वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है, इसलिए मैं शेयर करने के लिए कहता, वरना मैं शेयर करने के लिए भी ना कहता। कभी सुना आपने कि बेल आइकन दबाइए, घंटी दबाइए, ये दबाइए? कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना काम अगर बेहतर तरीके से करूंगा, ये सारे यूट्यूबर ये बात कहते हैं, वो बात आपको पता है, क्यों मैं वो बात कहूं, क्यों आपका समय मैं बर्बाद करूं, इसलिए मैं कभी बेल आइकन दबाने के लिए, कभी घंटा दबाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मुझे ये पता है, आपको भी ये पता है, आपका समय बहुमूल्य है, मैं आपका समय बर्बाद करके मैं आपको मोटिवेट करता हूं। कल 1 मई कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, कल से सभी प्रॉपर वे में क्लासेस चलेंगी, बस एक उम्मीद है कि आप जुड़िए, ताकि आप जुड़ेंगे तो हम मजबूत होंगे और हम आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे। आपका परिणाम जिस तरह आपके परिवार के लिए और आपके लिए खुशी और सौगात आता है, उस तरह मुझे भी ये होता है कि छोटी उम्र में मैंने भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की। अगर मैं वो पढ़ाऊँ जो परीक्षा में सीधे पूछ ले जाए, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है रिजल्ट बेहतर देना, क्योंकि आप जानते हैं आप भी एक अध्यापक है, अध्यापक खुशी इस बात से मिलती है, उसका पढ़ाया हुआ अगर स्टूडेंट सफल होता है, पता है बहुत दोगुनी खुशी मिलती है, खुद से सफलता से वो खुशी नहीं मिलती जितना आपके सफलता से खुशी मिलती है। बस इसी उद्देश्य से हम दिन रात मेहनत करते हैं, और आवाज़ तो देख ही रहे हैं, बस गर्मी का मौसम है, चल रहे हैं, इस पत्रे में पढ़ा रहे हैं, जानते हैं जहाँ पढ़ाते हैं वो डिजिटल है और ऊपर चद्दर है, बस इसीलिए कि वही है आलाप साथी को सुना होगा कि ख्वाब बड़े हैं स्थिति छोटी है, ठीक
सादा जीवन, उच्च विचार, बस वही इरादे हैं आपको शिखर तक ले जाने के लिए। अगर आपको लगता है भरोसे लायक मैं इंसान हूँ या मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, मेरे नोट्स आपके लिए बेहतर, आपका मोस्ट वेलकम। उसके लिए आप 6306344367 नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो लिख लीजिएगा 6306344367 पे कॉल करके भी जाकर ले सकते हैं, वरना मेरा नंबर ले लीजिए मुझसे जरूरत हो 9506701777 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से या टेलीग्राम फेसबुक हर जगह तो है, ट्विटर कहीं भी आप जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। बस इसी में से हम आपके साथ हैं, तो बस प्रयास करते हैं कि आप भी अपना बेहतर दीजिए, जिनका बेस्ट दीजिए। नोट्स आपके लिए तैयार है, जब भी चाहिए तो ऑर्डर करिएगा, और ऑर्डर आपको 2 से 3 दिन बाद डिस्पैचिंग शुरू होगी। 1 तारीख में डेट रखा था, टाइपिंग थोड़ी समस्या आ जा रही है, ये वो भी तो इंसान है, गर्मी का, उन पर शादी विवाह का समारोह है, तो हो सकता है 1 और 5 के बीच से आपके नोट्स आपके तक घर तक डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे, और आपके घर 3 से 4 दिन मिल जाएंगे। उसके बाद पढ़िएगा, फिर आप अपनी फीडबैक हमें दीजिएगा कि सर नोट्स कैसे हैं आपके, बस मुझे उसी दिन का इंतजार है आपका, जब आप बेहतर हो, सफल हो, और एक बात गर्व से कहें दुर्गे सर आपके नोट्स से मैंने कुछ बेहतर किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपने मुझे इतना देर सुना उसके लिए सहृदय धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, अगर आपको बेहतर लगे शेयर करना चाहिए तो, अन्यथा आप मत शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।